बाद। और फाइनली आज मैं घर जा रहा हूँ। आज क्या मैं बोलूँ कि मेरा बर्थडे भी है, आज 11 सितंबर है। स्पेसिफिकली ये व्लॉग जब तक आएगा तब तक 11 सितंबर बीत चुका होगा। तो आज 11 सितंबर है, मेरा बर्थडे है और मैं वापस घर घर रूम में भी जा रहा हूँ आफ्टर 7 डेज क्वारंटीन रहने के बाद। तो अब जाएंगे हम अपने घर, मैं आपको दिखाऊंगा स्कूबी कैसे रिएक्ट करता है। तो जाने से पहले पहले मैं जो सामान बिखरा हुआ है उसको थोड़ा अरेंज कर लें, और जिनके रूम में हम रह रहे थे उस रूम को भी थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए। आज पूरे 2 हफ्ते बाद हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं। कैंप में तो पहले ही आ गया था, रूम पे जा रहा हूँ। बस स्कूबी अभी से ही भौंक रहा है, देखते हैं क्या करता है। स्कूबी अच्छा रुक 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 अच्छा चल चल अंदर अंदर चल अंदर चल स्कूबी अंदर चल। वापिस आ चुके हैं अपने अपने स्वीट होम में वापिस। और जैसे आप देख सकते हैं स्कूबी माँ से इनका प्यार हो गया, घूमना चाहते हैं। कहाँ ले जा रही हो, क्या बना रहे हो भैया? और केक कहाँ है? के लिए बैठा। सोचो अपने बर्थडे में अपने केक पे खुद ही कैंडल लगा रहा हूँ। कैंडल वेंडल तो आप लोगों को लगाना चाहिए। अरे उल्टा। अपने बर्थडे पे हम ही कैंडल लगा रहे हैं, हम ही जलाएंगे, हम ही काटेंगे। और महाशी ये बैठा है केक खाने के लिए, इसको इससे ज्यादा मतलब है अभी और किसी चीज से नहीं, इसी के लिए बैठा है यहाँ पे।
मोमबत्ती बुझा के बॉम्बे टू यू। अरे वो मैजिक कैंडल है। ऊपर ऊपर अरे रुको पहले मेरे को इधर भी देखो विकास वीडियो में भी देखो ताक ही रहे ऐसे कर। विकास इधर देखो विकास इधर अब इसको भी को थोड़ा सा इसको भी विकास इसको भी कहो भी कहो हम चल रहे और इसको भी अरे खाई लो खा ही ना कूबी थक गया कितना बेचारे सोचो केक कट रहा था इसको केक खाने का मतलब नहीं था इसको बाहर जाने से मतलब है इसको लग रहा है कि भैया लोग हैं माने अब जल्दी हम हाँ जल्दी चल जाओ तुमको खाना लेके जाते थे पहले भूखते थे हाँ खाना लेके जाते थे ना तुमको हाँ पहले भूख तो जाने के लिए चाय बनाई ये ब्लॉग पेंडिंग था और ये ब्लॉग जल्दी निकालना था इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट टू से पहले टेंथ निकाल के खत्म कर दे कहानी तो टेन निकाल दिया पार्ट टू कल आ जाएगा और वैसे मुझे मालूम है कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड तो होंगे नहीं बट द पॉइंट इज इंटरेस्ट है काम करना है करना है तो बना रहे हैं बस तो एंजॉय और गाइस सेकेंड टाइम बोलना पड़ेगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो कोई कंपलसरी नहीं है।